जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का एक ऐसा टॉपिक यानी ट्रायंगल त्रिभुज का, जो विद्यार्थियों के लिए समस्या रहता है टॉपिक वो, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों में समस्या वो टॉपिक का होता है, थेल्स प्रमेय का, है ना। तो आज इस समस्या को बिल्कुल यूनिक तरीका से देखेंगे हम। चलिए बिना समय गवाए इसे शुरू करते हैं। देखिए यानी थेल्स प्रमेय जो 6.1 है, क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के यानी जो त्रिभुज है एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर देखिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आपको ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, बहुत से विद्यार्थी क्या करते रहते हैं कि पहले फिगर बनाए कि क्या लिखे पहले, आपको वो नहीं करना है। क्या करना है आपको वो समझिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना है। एक स्पेस छोड़ के कॉपी का, मान लीजिए कॉपी का सतह ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉपी का सतह यह है, आपको इसके बीच में लिखना है। मान लीजिए इसके बीच में लिखना है आपको, इसके बीच में। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये मान लीजिए कॉपी का सतह है, इसके ये कॉपी है, मान लीजिए एक साइड ये हुआ एक साइड ये हुआ, कॉपी है आपके पास। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है। एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ले लिए। आप समझिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा, किसी एक भुजा, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, तो एक भुजा यानी इसके भुजा, ये भुजा, ये भुजा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सवाल में ही इसका आंसर और यानी इसका सल्यूशन छुपा होता है, आपको समझने का देरी होता है। यानी कभी कभी आप लोग कहते रहते हैं ना कि मतलब क्या क्या कर रहा है सिद्ध, क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या दिया हुआ है, यही समझ नहीं पाते हैं। तो यही आपको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक भुजा में ही विभाजित करती है। तो आपको क्या करना है, यानी वो दिया हुआ है कि इसका भी वो क्या है, ये भी खींचा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एक भुजा इसका है ना, यानी समांतर किसी खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये प्रूफ करना है आपको। तो यानी त्रिभुज एबीसी हो गया, ई मान लीजिए सी है, तो ई डी, ई हो गया ई, यानी ई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आइए अब दिया है, क्या दिया है ये लिख दीजिए, ये लिखना पड़ता है बॉस, दिया है ना। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर बी सी है। डी ई, इसको समांतर पढ़ते हैं बॉस, इसको क्या पढ़ते हैं, समांतर पढ़ते हैं। ये दोनों जो डी ई समांतर है ना, इसको हम समांतर पढ़ते हैं, हम लिख भी देते हैं आपको, इसको समांतर पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझिए, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, ये मेन बात होता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इसे एक वीडियो को देखने के बाद समझ जाइएगा क्या सिद्ध करना है। वो देखिए, करना एक ही अनुपात, यानी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बट्टा BD, AD के बट्टा में DB या BD लिख दीजिए, BD लिखिए, अब बराबर AE के बट्टा में CE, AE के बट्टा में CE, ये आपको प्रूफ करना है। यह आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये आपको लाना है, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले इसमें एक रचना करेंगे, रचना के बाद आपको प्रमाण में जाएंगे, उससे पहले एक रचना करना है, समय नहीं लेंगे, फटाफट बताएंगे आपको। एक रचना करना है, रचना क्या करना है, आपको एक लंब लेना है, किस पर, सुनिए रचना समझिए, आपको लंब लेना है जैसे इसके बीच में, AD के बीच में, ताकि 90 डिग्री बन सके, और इसके बीच में भी लंब लेना है, यहाँ भी। तो इसका नाम एन लिख लीजिए, और इसका मान, इसका जो मेन यानी मान इसका लिखिए, जो इसका नाम दीजिएगा वो एम दे दीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या दिए, तो ये हो गया, यानी आपको पूछेगा तो AD पर लंब क्या है, तो EN लंब AD है, AD EN लंब AD, यानी लंब क्या है, AD कॉमा, अब DM लंब क्या है, DM लंब
ये जो लंब है, ये लंब होता है, इसको लंब पढ़ते हैं, हम लिखते भी जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसको लंब पढ़ते हैं, ये वाला जो होता है लंब पढ़ते हैं इसको। डीएम लंब यानी डीएम जो लंब कस पर है, ये बीच वाला पॉइंट को देखिए ए पर, ए यानी ई एन लंब ए डी कॉमा डीएम लंब ए ई खींचा खींचा तथा खींचा तथा है ना, बी को ई से और सी को डी से मिला है, तथा बी ई कॉमा बी ई नहीं, बी को ई से कर दीजिए बेटर लगेगा, बी को ई से और डी को सी को डी से, सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, ये लिख दीजिएगा है ना। उसके बाद समझिए अब आपको आना है परमाण में, परमाण में मैं दिक्कत आप फिगर बनाए पहले कि क्या बना है, कि दिया है लिखे तो पहले आपको बता दीजिए फिगर बनाना है, उसके बाद दिया है, उसके बाद सिद्ध करना, उसके बाद रचना, उसके बाद परमाण में। अब परमाण में चलिए, आपको जाना है पहले यहाँ पर देखिए दो प्रकार के त्रिभुज बना हुआ है, तो आपको जाना है एरिया ए डी ई में, एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई। आपको ये एरिया क्या होता है, ए आर का मतलब होता है गुरु जी, ए आर का मतलब एरिया, एरिया से बनता है क्षेत्रफल, अब बुझ गए होंगे एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अब समझिए एरिया, इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, फिर इसका ही फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अच्छा देखिए एक बार समझिए, हम पहले जाएंगे त्रिभुज ऐसे जाएंगे, ऐसे ए डी ई में, ए डी ई में, और ऐसे जाएंगे फिर यहाँ बी, यानी एरिया ए डी ई और बी डी ई में जाएंगे हम, इस दोनों का बात करेंगे, इस ऐसे एंगल से बात करेंगे, दिखाते हैं समझाते हैं। एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी, एरिया ए डी ई, ए डी ई लिखिए, अच्छा अपॉन लिख ही दीजिए एरिया बी डी ई, देखिए बराबर 1/2 का 1/2। अच्छा ए डी में आधार क्या है, आधार क्या है इसका, गौर से देखिए था यहाँ जो लंब खींचा गया है, समझिए मेरी बातों को, हम बोले थे आपको तो समय लेंगे लेकिन समझा देंगे, यहाँ जो लंब खींचा गया है या लंब ऐसे रहा था तो ई ऐसे लगता है देखने में जैसे ये लंब है, तो किस पर आधारित है, ए डी इसका आधार है, क्या आधार है ए डी, क्या आधार है ए डी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, यानी ए डी ई में, ए डी ई में इसका आधार क्या होगा तो ए डी। अच्छा ऊंचाई क्या है, तो ई ऊंचाई लंबे है ना, तो ई यहाँ पर एन लिए हुए थे, क्या ऊंचाई हो गया ई एन, समझ में आ गया, यानी ई जो है आधार हुआ और ई ऊंचाई हो गया ई एन। अच्छा इसी प्रकार 1/2 का 2, अच्छा इसका आधार क्या है बी डी का, तो बी डी का आधार कुछ नहीं है तो क्या है ये वाला आधार है इसका, तो क्या है बी डी। अच्छा ऊंचाई क्या है इसका, ऊंचाई सेम रहता है ई एन, ठीक है इसी पर 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, अब बच गया एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई बराबर ए डी और अपॉन बी डी, यानी बट्टा में बी डी, इक्वेशन फर्स्ट। आइए इस पर आइए, अब इस पर समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब चलेंगे फिर इसी प्रकार एक और में चलेंगे, इसी प्रकार फिर ऊपर में जाएंगे, इस बार फिर ऊपर में जाएंगे ए डी ई में, लेकिन इस बार इस एंगल के साथ जाएंगे, जैसे ए डी ई देखिए, और यहाँ पर क्या है सी, इस बार इस दोनों को हम सिमिलरिटी करेंगे, इस दोनों से सिमिलर जाएंगे, यानी इसी प्रकार एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई में, सी डी ई में बराबर का बराबर देंगे, 1/2 का 1/2 रहेगा, आधार आप बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ना, तो आधार की जगह हम इसको चेक करेंगे। अब ए डी ई में गए हैं तो ए डी तो इधर से काम कर लिया था, इधर से काम करेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी का इसका आधार किस पर ये लंब है, देखिए यहाँ हम आपको समझा देते हैं फिर से एक बार, इसका जो आधार है ये आधार होगा क्योंकि यहाँ पर लंब है ऐसे, तो ई लंब है तो ई ऊंचाई हो गया, यानी यहाँ पर डीएम जो होगा एक ऊंचाई हो जाएगा, एक आधार ई हो जाएगा, एक बार आधार ई हो जाएगा, एक बार सी हो जाएगा, जैसे इस पर होगा था सेम उसी प्रकार इस पर होगा, समझा रहा है ना, तो 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा ए ई, अब ऊंचाई क्या है इसका, इसका ऊंचाई क्या है एन पर है ना, तो डीएम है डीएम, उसी प्रकार इसका भी
वन बाई टू का वन बाई टू, सी डी का आधार देखिए, सी डी का आधार, ये सी डी है ना, इसका आपको वही बताए थे आपको यहाँ पर, सी डी का आधार क्या होगा, ये हो जाएगा सी डी ई का आधार जो है ये होगा सी ई, ऊंचाई सेम हो जाएगा जी टी एच डी एम, डी एम से डी एम कट गया, वन बाई टू से वन बाई टू, अपॉन में था इसलिए कट गया, अब बचा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई बराबर ए ई अपॉन सी ई, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण, समीकरण एक और, एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक और दो से जैसे ही जाएंगे तो, और ए डी देखिए इसके ऊपर भी ए डी है, इसके ऊपर भी ए डी है, और यहां भी देखिए समीकरण टू में भी ए डी और इसमें भी ए डी, दोनों कैंसिल, जैसे समीकरण एक और दो से जाएंगे दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका, तो बच गया एरिया, यहां देखिए बी डी ई, एरिया बी डी ई और यहां देखिए एरिया सी डी ई, तो लिखिएगा एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी ई, आप किसी से बराबर कीजिए समझिए, क्योंकि क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बीच स्थित क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है, कोण यानी स्थित कोण कर सकते हैं, क्षेत्रफल के बराबर होता है, जैसे ही बराबर हो गया एरिया ए डी बराबर एरिया बी डी ई, बी डी ई और एरिया सी डी ई बराबर होता है, आपको क्या प्रूव करना था, सिद्ध करना क्या था, ए डी के बट्टा में ई और इसी सी के बट्टा में ई के बट्टा में सी, तो लिख दीजिए ए ए डी के बट्टा में बी डी, इसी प्रकार हो गया, और ए ई के बट्टा में सी ई हो गया, ये प्रूफ, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। कैसा लगा ये वीडियो गाइस, कमेंट जरूर करें, अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दिया जाएगा, थेल्स विलोम में इसी प्रकार बनता है हम बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।